बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपकी होस्ट रोशन, मेरे साथ मेरा बेटा, हमने अपना न्यू यूट्यूब चैनल शुरू किया है। इसमें चैनल में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। इसमें आप लोग मज़े मज़े के खाने सीखेंगे और वो खाने सीखेंगे जो बहुत ही आसान और सस्ते होंगे। बाज़ार से जो आप खाने लेते हो उनसे वो आधी कीमत पे होंगे। ये चैनल मैंने बनाया ही उन लोगों के लिए है जो अफोर्ड नहीं कर सकते ज़्यादा चीज़ें, और बाहर का खाना नहीं खाते और घर बनाने को प्रेफर करते हैं, तो उनके लिए ख़ास तौर पर ये चैनल है। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आज पहली जो हमारी रेसिपी है वो आपको बहुत पसंद आएगी। आज हम लोग व्यूवर्स बना रहे हैं लाहौरी चरगा। ये बिल्कुल हमारी अपनी घर की रेसिपी है, कोई बाहर की रेसिपी नहीं है। किसी की रेसिपी को हमने चुरा के नहीं बनाया, बिल्कुल खालिस हमने अपनी रेसिपी इसको की है जो मैं अक्सर घर में बनाती हूँ। अभी हम लोग शुरू करने लगे हैं तो अभी हम शुरू करते हैं। आप लोग एक एक स्टेप देखिएगा कि किस तरह ये रेसिपी बनाई जा रही है और इसको आपने घर में कैसे बनाना है। बिल्कुल आम मसालों से, आम बर्तनों में, कोई ख़ास चीज़ जो है वो इसमें नहीं है कि आपके पास ऐसे बर्तन हो, इस तरह के बर्तन हो। हर चीज़ आपको वो बताऊंगी जो आप आसानी से घर में कर सकते हो। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने चिकन लेना है। चिकन को आप दुकान पे से ही साफ़ करवा लें और उसको आपने काटना नहीं है, पूरा रखना है जैसे आपको नज़र आ रहा है, जैसे आपको नज़र आ रहा है इस तरह का। और ये वेट में जो है ना आपका किलो सवा किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा होगा तो ये अंदर से गलेगा नहीं और मसाले जो हैं वो इसमें लगेंगे नहीं। सबसे पहले हमें चिकन चाहिए और उसमें आपने क्या करना है कि किलो सवा किलो या हद है डेढ़ किलो, और ये जो चिकन है वो आपकी एक फैमिली 6-7 लोग आराम से शेयर कर सकते हैं। उसके बाद जो हमने मसाले इस्तेमाल करने हैं, उसमें मसाले जो हैं वो आप देख लें, बिल्कुल घर के मसाले हैं। इसमें आप कमी बेशी कर सकते हैं, कुछ लोग ज़्यादा मसाले पसंद करते हैं, कुछ हल्के मसाले पसंद करते हैं, तो आप उनके हिसाब से उन स्पाइसेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमारे पास एक तकरीबन एक चम्मच, एक टेबल स्पून हरी मिर्ची है जो हमने मोटी मोटी कूट ली हैं। उसके बाद ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये 2 चम्मच हैं। उसके साथ ज़ीरा है, ये भी घर में होता है पिसा हुआ, आप थोड़ा सा उसको तवे पे भून के उसको पीस लें। उसके साथ गरम मसाला है, ये भी घरों में होता है। 7 नमक है, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून जो है वो हल्दी है, उसके साथ तकरीबन 1 चम्मच जो है वो काली मिर्चें हैं। उसके बाद चाट मसाला है, ये 1 बड़ा चम्मच है, 2 बड़े चम्मच लाल मिर्च के हैं। उसके बाद ये जायफल है और जावित्री है, ये आराम से बाज़ार से मिल जाती है, अमूमन घरों में मौजूद भी होती है। ये वो मसाले हैं जो हमने चिकन में डालने हैं, खुश्क मसाले। इसमें आप कमी और ज़्यादती कर सकते हो अपने टेस्ट के हिसाब से। उसके बाद इसमें दही है, 1.5 कप डलेगा, और 1 अंडा, 1 लीमू और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, ठीक है। ये चीज़ें हैं आपकी, ये भी दही है, 1.5 कप दही, 1 कप ये रखा हुआ है और 1 कप ये रखा हुआ है। इसके अलावा आप सिरका है और चिली सॉस है और सोया सॉस है। ये आप किसी भी ब्रांड की इस्तेमाल कर सकती हो, कोई इसमें ज़रूरी नहीं है कि फ़लां ब्रांड हो। आप जो आपके घर में है वो चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हो। अभी हम शुरू करते हैं चिकन को मैरिनेट करना। सबसे पहले आपने क्या करना है, चिकन को कट लगा लेने। अभी आप ये देखिए चिकन को कैसे कट लगाने हैं, और से देखिएगा, एक साइड से गहरे कट लगाने हैं, छुरी तेज़ लीजिएगा नोक वाली, जिससे अच्छी तरह उसके पसलियों तक कट लग जाए, क्योंकि कट अच्छे लगेंगे तो आपके मसाले भी अच्छे उसमें लगेंगे। बिल्कुल देसी रेसिपी है, कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आप वो चीज़ें ना ले सको या ना बना सको। चिकन आजकल थोड़ा सा महंगा है, कोई बात नहीं, आगे सस्ता भी हो जाएगा, लेकिन अगर आपने मज़ा उठाना है लाहौरी चरगे का तो इतनी तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और ये बहुत कम खर्च है,
बहुत कम पैसों में ये आपका लाहौरी चरगा बन जाता है। ये देखें आप कट लग रहे हैं उसमें, सीने पे लगा दिए हैं, टांगों पे लगा दिए हैं। ये देखें गौर से देखें, ये देखें इसके कट कितने नुमाया हैं। ये देखें इसको उल्टा करके आप कट लगाएंगे ऐसे करके, ये देखिए। और ये चिकन जो है वो आपने पहले अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद आपने इसको खुश कर लेना है, मतलब थोड़ी देर धो के इसको आप स्टेनर में रख दें, किसी जाली में रख दें, घरों में जालियाँ होती हैं, ताकि अच्छी तरह ये खुश्क हो जाए। क्योंकि खुश्क होगा तो इसका मसाला बहुत अच्छा इसमें लगेगा। अब ये देखिए तकरीबन कट मुकम्मल हो गए हैं। अब हम इसमें मसाले लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे सिरका। अब ये हम अंदाजे से लगा रहे हैं, तकरीबन इसमें आप ये समझ लें कि 3 से 4 टेबल स्पून सिरका आपने इसके ऊपर अच्छी तरह डाल देना है। और उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह हाथों से उसको अंदर तक जो कट लगाए हैं उसमें लगा देना है। ये आप देखते जाएं, इसी रेसिपी को आप फॉलो कीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से। ये देखें बहुत अच्छे तरीके से लगाना है आपने कट में, आगे अंदर उसके पीछे। ये सिरके का असल मकसद ये होता है कि चिकन को अच्छी तरह गला देता है और बहुत ही टेंडर और टेस्टी चिकन आपका बनता है। इसके बाद हम लगाएंगे चिली सॉस, और इसमें ये कोई नहीं है, जो मर्ज़ी आप लगा लें। ये भी तकरीबन आपका 3 से 4 चम्मच ही लगेंगे, कोई ज़्यादा पसंद करता है तो ज़्यादा उसमें डाल ले, थोड़ा करता है तो थोड़ा कर ले, क्योंकि ये सिर्फ आपके चिकन के टेस्ट को बढ़ाने के लिए है। ये देखें चिकन को कैसे मैरिनेट किया जा रहा है अच्छी तरीके से। कट में ज़रूर मसाले लगाइएगा, तभी आपका स्टीम रोस्ट बहुत अच्छा बनेगा। मैंने ये स्टीम रोस्ट है आपका लाहौरी चरगा, यानी इसको पहले हम स्टीम करेंगे और फिर उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। क्योंकि बच्चे जो हैं या लोग जो हैं वो ज़्यादा स्टीम वाला नहीं खा सकते, जो लोग बीपी पेशेंट हैं या और तरह के वो फ्राई चीज़ें नहीं खा सकते, तो वो लोग स्टीम वाला भी खा सकते हैं। अब इसमें डालेंगे हम सोया सॉस। ये देखिए अच्छी तरह उसके कट्स में वो डाल रहे हैं सोया सॉस, और ये भी तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून है। टेबल स्पून वो होते हैं जिनसे हम चावल खाते हैं, टेबल स्पून आपका जो है वो ये वाला चम्मच कहलाता है, ये आपने डालने हैं। अच्छी तरह मसाला लगाइए इसको, ये देखें। अब इसमें हमने स्टेप वाइज मसाले लगाने हैं। नमक लगाए, हाँ जी, ये देखिए वो जो मैंने आपको बताया था तकरीबन 2 टेबल स्पून नमक है, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। मैंने रैंडमली इसको बताया है आपको, कम ज़्यादा आप अगर बीपी के पेशेंट हैं तो आप नमक कम कर लें, वरना ये नमक बिल्कुल पूरा पूरा रहता है। ये देखें बिल्कुल आपको मुर्गे की शेप सामने नज़र आ रही है, बिल्कुल अच्छी तरह इसको आपने लगाना है। उसके बाद अगला स्टेप, हाँ जी, उसके बाद अगला स्टेप आ जाता है। ये 4 चीज़ें आपने चिकन में लगानी है। उसके बाद आपने 1.5 कप दही जो है वो एक बाउल में डालना है, 1.5 कप दही एक बाउल में डालना है। उसके बाद उसमें ये सारे मसाले जो मैंने आपको बताए थे वो डालने हैं। सबसे पहले हरी मिर्चें डाल दें, फिर जायफल डाल दें, फिर जावित्री डाल दें, फिर चाट मसाला डाल दें, लाल मिर्चें डाल दें, काली मिर्चें डाल दें, हल्दी, गरम मसाला, भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट। ये वो मसाले हैं जो मैंने पहले आपको बताए थे खुश्क मसाले, वो डाल दें। अब इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह दही में
मिक्स करना है। ये देखें इस तरह आपने मिक्स करना है। ये देखें बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है जी। ये सारे मसाले मिक्स हो गए हैं। आगे आपने इसमें एक अदद अंडा डालना है, एक अदद अंडा इसी के अंदर मैरिनेशन में डालना है। ये डालें, उसके बाद एक लीमू, तकरीबन एक किलो सवा किलो चिकन के लिए आप एक लीमू उसके बीज निकाल दें और उसमें आप वो सिर्फ उसका लेमन जूस जो है वो आपने ऐड करना है। ये देखें, उसके बाद आपने इसमें कॉर्न फ्लोर डालना है और कॉर्न फ्लोर की मिकदार जो है वो 2 चम्मच हैं। ये देखें इसको अच्छी तरह आप मिक्स कर लें, अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये देखें मैंने कोई चीज़ स्किप नहीं की है, एक एक स्टेप आपको दिखाया है बिल्कुल नेचुरल वे में। कोई आपके लिए ये नहीं है कि ये बर्तन हो, ये बीटर हो, ये हो, चम्मच से कर ले, घर में मधानी है उससे आप कर लें, घरों में हैंड बीटर होते हैं उससे आप कर लें, वो आपके अपने ऊपर है। ठीक है, इसमें कोई नहीं है कि आप ऐसे बर्तन लाएं वैसे बर्तन लाएं, जो घर में बर्तन है वही इस्तेमाल करें। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आपके घरों में हर वक्त मौजूद होती हैं। सिर्फ चिकन है जो आपने वो लेना है बाज़ार से, क्योंकि वो आपने पूरा चिकन इस्तेमाल करना है। उसके बाद हमने अब इसको मैरिनेट करना है। ये हमारा दूसरा स्टेप मुकम्मल हो जाएगा। हमने इसको चिकन को अच्छी तरह इसमें मैरिनेट करना है। ये देखें बिल्कुल अच्छी तरह हो रहा है बहुत। ये देखें अच्छी तरह उसके कट में लगाएं। साथ साथ मैं आपको बताती जाऊं, ये रेसिपी है, ये बना मेरा बेटा रहा है, मैं और मेरा बेटा दोनों मिलकर हम कुकिंग करते हैं और इसी तरह रेसिपीज़ हम बना के दूसरों को भी खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं। अब हमने कहा कि ये तमाम चीज़ें जो हैं हम लोगों तक पहुंचाएं, उन तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें और घर बैठकर नई नई चीज़ें बना सकें। ये अब हमारा हो गया है अच्छी तरह मैरिनेट। अब इस चिकन को आपने अच्छी तरह मैरिनेट कर दिया है, अब इसको कम से कम 30 मिनट के लिए आपने फ्रिज में रखना है, क्योंकि आधा घंटा फ्रिज में रखने के बाद ताकि इसमें मसाले अच्छी तरह पूरे हो जाएं, हम इसको स्टीम पर रखेंगे। ये देखें ये अब हो गया अच्छी तरीके से। ये देखें ये देखें ये हो गया मैरिनेट। अब हम इसको इसी ट्रे में या किसी और बर्तन में आपकी मर्ज़ी है डालकर हम इसको आधा घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे जी। हमारा ये चिकन अब रेडी है, आधा घंटा इसको हमने मैरिनेशन के लिए रखा था फ्रिज में। अब हम इसको स्टीम करेंगे। स्टीम के लिए हमने एक देगचा लिया है, ये देखें इसमें हमने पानी डाला है, पानी बॉयल हो रहा है नीचे, उसको आप देखें मैं आपको दिखाती हूँ। देखें नीचे पानी बॉयल हो रहा है, आप अपना आधे से डालें। ऊपर ये मैंने स्ट्रेनर रखा है, स्ट्रेनर आम सा है जिसमें हम कोई भी चीज़ स्ट्रेन कर सकते हैं, वो आपने इसमें रख दिया, स्टील का है। अब हमने इसके ऊपर अपना मैरिनेट चिकन रखना है। ये देखें हमने अपना चिकन रख दिया है, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा उसी तरह वो सारा। बस अब इसको हमने रखने के बाद हमने इसको ढक देना है ऊपर से और हमने 45 मिनट्स है उसको स्टीम देनी है और उसको देख लेना है दरमियान में। और उसको अगर ज़रूरत पड़े तो, अगर आप समझते हैं कि थोड़ा और होना चाहिए स्टीम, तो आप 1 घंटा भी इसको स्टीम दे सकते हैं। ये देखें स्टीम हो रहा है चिकन, ठीक है। इसको इस तरह करने के बाद आपने इसको कवर कर देना है उसके ढकने के साथ अच्छी तरीके से, और ऊपर आपने कोई उस पर भारी चीज़ रख दें, कोई ईंट रख दें, कोई और चीज़ रख दें ताकि उसमें प्रेशर बने और उसमें स्टीम सही हो। जो लोग कुकर में करना चाहते हैं वो कुकर में भी स्टीम दे सकते हैं।
उसमें टाइम कम होगा, जो देखचे में देना चाहते हैं उसके लिए टाइम वो होगा। ये देखिए अब हमने इसको तो डाल दिया है ऑयल में और ये देखिए कितने तेज़ी से फ्राई हो रहा है। अब हमने उसको इतना फ्राई करना है तो ये गोल्डन हो जाए। ये देखें फ्राई होने के बाद आपका लाहौरी चरखा तैयार है। ये देखें इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त आया है। सारा डेकोरेशन आप जैसी करना चाहते हैं करें, ये देखें। और इसको आप रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, वैसे बच्चे शौक से खाते हैं। आप इंशाल्लाह इसको ट्राई करेंगे तो उसको ज़रूर आपके घर वालों को ये पसंद आएगा। अभी इसको देखें ये कितना सॉफ्ट है, ये देखें कितना सॉफ्ट है और अंदर से कितना गला हुआ, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट। ये देखें ये है, इसको देखें और इसको बनाएं ज़रूर। और मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और मुझे अपने व्यू ज़रूर दें, ज़रूर फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये रेसिपी पसंद आई और आपने ये बनाई। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आप सब घर में खैरियत होंगे। फिर मुलाकात होती है अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।